से आज एक सूत्र लेकर के जाओ, भक्ति के बदले कभी भगवान से कुछ मत मांगना। और सुनो, भगवान से मांगने की भी इच्छा जगे ना माई बाप, तो आज के बाद भगवान से कभी मत मांगना। मांगना हो तो आज से भगवान को मांग लेना, क्योंकि भगवान प्यारे, भगवान से मांगिएगा ना तो बार बार मांगना पड़ेगा, और भगवान को मांग लीजिएगा फिर कभी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, फिर कभी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि भगवान से मांगिएगा तो फिर बार बार मांगना पड़ेगा। भगवान को मांग लीजिएगा तो जब तुम्हें जिस जो वस्तु चाहिए भगवान सब कुछ देते रहेंगे, फिर कभी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, है ना। इसलिए भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? अहेतु की भक्ति श्रेष्ठ है। अहेतु की जो निष्काम भक्ति है, जिस भक्ति के बदले भगवान से न मांग करके भगवान को मांग लिया जाए। देखिए, निष्काम भक्ति कीजिएगा ना तो आपके अंदर ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य कौन है? महात्म्य में आप लोग सुने होंगे, ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के पुत्र है। कौन है? पुत्र है। और बिना संतान के माँ का मातृत्व धर्म कहाँ सफल होता? इसलिए आपके अंदर भक्ति आ जाए और ज्ञान का भाव है, वैराग्य का भाव है, तो भी बात नहीं बनेगी, आनंद नहीं आएगा। वो अलग बात है कि गोपियों के तरह, मीरा मैया के तरह, शबरी के तरह आपके अंदर भक्ति आ जाए, वो उच्च लेवल की भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति। इतना सहजता से आप लोग को नहीं प्राप्त होगा, कि आज का व्यक्ति जो है ना, सतो गुण में कम, रजो गुण में और तमो गुण में ज्यादा प्रतिष्ठित है ना। इसलिए हर व्यक्ति का सोचने का अपना परसेप्शन अलग अलग है। कोई सतो गुण में प्रतिष्ठित है, कोई रजो गुण में प्रतिष्ठित है, कोई तमो गुण में प्रतिष्ठित है। इसलिए माई बाप, प्रेमा भक्ति सबको नहीं प्राप्त होता, वो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ वो भक्ति का पराकाष्ठा है। उसके बाद और तो प्रेमा भक्ति के पुजारी थी कौन? गोपिया, मीरा मैया, है ना। बोले राधे 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 राधे। तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है और वैराग्य भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ज्ञान नहीं होगा तो पता है कई बार माई लोग क्या करती हैं? मंदिर जाती हैं, मंदिर खुला है तब तो पता चले हनुमान जी बैठे हैं और माता कहीं पीणा प्रसाद ली है अपने पूजा पात्र में, तो पीणा लेकर के हनुमान जी के कई मुख में ठूस देती हैं। कई लोग भोले बाबा के मुख में, पिंडी में भी, वो शिवलिंग में भी बीच में अनुमान लगा लेती है कि इनका बीच चला भाव मुख है, और उसमें पीणा लेकर के चिपका देती है। भाव तो यही है कि भगवान के मुख में खिला दे, पर ज्ञान नहीं है, वहां पर ज्ञान का अभाव है कि नहीं। अरे मुख में ठूसोगे तभी भगवान खाएंगे क्या? अब हनुमान जी के मुख में आप बर्फी पेड़ा ठूस दिए ले जाकर, अब भगवान जाने बेचारे हनुमान जी खाएं कि नहीं, पर चीटे चीटी जरूर उनके मुख में जाकर भोग लगा रहे होंगे, है कि नहीं। तो वहां क्या है? ज्ञान का अभाव है। अरे जब ज्ञान होगा तो आप पात्र में रखिए ना, भोग लगाइए ना, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे भोग को आप ग्रहण कीजिए, जरूर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पुजारी जी मंदिर पट बन करके चले गए, माता को घर से मंदिर आने में विलंब हो गया, अब तो माता बेचारी परेशान है, भगवान मंदिर बंद हो गया, अब कैसे भगवान को भोग लगाएं, अब दुर्गा मैया को कैसे जल चढ़ाएंगे। तो वो दरवाजा में पता चले थोड़ा सा स्पेस हो तो मैया दूर से ही जल फेंकती है, लो भोले बाबा जरा स्नान, मंत्र भी अलग होता है। अब उनको मंत्र थोड़े नहीं पता जल का मंत्र क्या है, वो तो बस अपना बोलती है हिंदी में, संस्कृत में, भोजपुरी में, हाँ मिक्स करके, हनुमान जी जले स्नानम कुछ भी बोल करके जल फेंकती है, फूल भी फेंक देती है, धूप दीप भी दिखा देती है। भोग के बारे में पता चला कि बर्फी पीणा के बजाय वो पूजा पात्र में बतासा है, बड़ा वाला, वो भी
तो बतासा लेकर के वो शिवलिंग पर शिव जी पर निशाना साधी और लेकर के शिवलिंग पर जोर से चला करके फेंक के मारी, लो हनुमान जी पालो, लो भोले बाबा पालो, लो दुर्गा मैया खा लो। अब बताइए भाव तो यही है कि मंदिर बंद हो गया, मेरा भोग भगवान तक जाना चाहिए, लेकिन तरीका गलत है माई लोग। फेंक करके मारिएगा तो भगवान पाएंगे, और फेंक करके मारने से भगवान आपका भोग लगाते हो तो एक बार घर में प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। कोई घर में है समधी जी आ जाए, है ना, रिलेशन वाले आ जाए तो जलपान जो है ना लड्डू थोड़ा फेंक कर देना, लो समधी जी खा लो। अब वो लड्डू खाते हैं कि फिर महाभारत सुनाते हैं, ये तब पता चलेगा। जब सामान्य व्यक्ति को हम फेंक करके देंगे वो नहीं खाएगा, उसे अपमान फील होगा, तो वो तो भगवान है प्यारे। हालांकि भाव तो यही है कि भगवान को भोग लग जाए, पर वहां पर क्या है, ज्ञान का भाव है। अज्ञान जिस दिन आ जाएगा तब तो सोचिएगा अरे मंदिर का एक दरवाजा का 10 नहीं 1000 दरवाजे बंद हो जाए तो क्या हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेवम सर्वमिति ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। अरे भगवान तो सब जगह निवास करते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो भगवान नहीं। भगवान मंदिर के अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है, पात्र में भोग रख करके हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, प्रभु नित्य तो मैं आपके पास आकर के भोग लगाती थी, आज मंदिर बंद हो गया, आने में विलंब हो गया, इसलिए प्रभु आप तो सर्वत्र वासी हो, सब जगह रहते हो, इसलिए आज मंदिर से बाहर आकर के बिना भोग लगा लो। भगवान उस मंदिर के अंदर से दौड़े दौड़े आ जाएंगे और आपके भोग को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी बहुत जरूरी है। पता चले कि माला कैसे फेरते हैं, मंत्र कैसे जप करते हैं, माला जप करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्री गुप्ता शतपथ ब्राह्मण में आया है, मंत्री गुप्ता मंत्र गोपनीय होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो मूर्ख है जो महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र का माइक में उन्होंने गा बजा करके मारा, सब तहस नहस कर दिया, टेन टेन कर दिया मंत्र का, वो भी गायत्री मंत्र जो ब्रह्म गायत्री है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसका उच्चारण के ध्यान रहे। हमारे ऋषि लोग कोई मूर्ख थोड़े नहीं थे, त्रिकाल दृष्टा थे, श्रेय मंत्र दृष्टार, त्रिकाल दर्शकों को पता है कि कलयुग में एक से एक मदांधी लोग प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, तो मंत्रों का सब तहस नहस करेंगे, गाएंगे बजाएंगे, सारे मंत्र के प्रभाव को खत्म कर देंगे। इसलिए गायत्री मंत्र उन्होंने पूरा उच्चारण नहीं किया, उसका पूरा उल्लेख नहीं किया। अब गायत्री मंत्र में जितना अक्षर होता है मिला लीजिएगा, वो पूरा अक्षर नहीं है। जब हम लोग गायत्री मंत्र सुनते हैं उसमें एक अक्षर का अभाव है, और ये गुप्त है, ये मैं भी माइक से नहीं बताऊंगा वो कौन सा अक्षर है जो महाराज अब तक कोई नहीं जानता है। ये हम ऋषियों के परंपरा से आया हुआ है, जो वेद के मूर्ध्य विद्वान है, जिन्होंने वेद को अपने कंठ में धारण किया है, वो गुरुजन को पता है कि गायत्री मंत्र का वो एक अक्षर कौन है जो सर्वव्यापक नहीं है, सभी लोग उसे नहीं जानते। इसलिए मंत्री गुप्ता मंत्र गोपनीय होता है। ज्ञान है माता को कि मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, तो माता माला जप कर रही है, जब मैं बैठने से पहले बहू को बोल करके आई थी, बहुरानी चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई है, देखना उफान न जाए, जल न जाए, ध्यान देना, और माला में बैठ गई। पता चले बहू को एक कार्य सौंप करके आई थी, और बहू तो वीडियो कॉलिंग पर लगी हुई है, व्हाट्सएप पे लगी हुई है, पड़ोसी से बात कर रही है। अब तो माता की हालत खराब, राम राम मैंने इसको बोल करके आया था कि दूध चूल्हे पर अभी ठा कर देखना, ये तो बात कर रही है, अब तो पक्का दूध उफन गया होगा। अब माता करे तो क्या, माला छोड़कर जाए, क्लास लगाए बहुत, तो नहीं नहीं, ज्ञान है, माला पूरा होने से पहले नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर डांट करके बोल दे, नाना मंत्री गुप्ता मंत्र जप करते समय बोलना नहीं चाहिए, तो वीर अब माला का वेग बढ़ गया, रेस बढ़ गया, जल्दी जल्दी एक के बजाय दो दो दाने आते जा रहे हैं, हमारा माला पूरी हो जाए फिर इसकी खबर लेती हूँ। अब भगवान जाने दूध जला कि नहीं जला, उफना कि नहीं, पर माता का खून तो जल गया क्रोध में, और माला बढ़िया से हुआ भी नहीं, एक के बजाय दो तीन आ गए। तो अब बताइए वहां पर किस चीज का भाव है, वहां पर वैराग्य का भाव है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी बहुत जरूरी है, वैराग्य होगा
ये समझ में आएगा, अरे मैंने बोल कर तो आई हूँ, अब वो नहीं मानी तो हम कितना जिम्मेवारी लें। भगवान का भजन करना है, भाड़ में जाए, दूध जल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को तो माला पूरी करनी है। ये वैराग्य जब आ जाएगा, माला बढ़िया से जप कर लीजिएगा, तो भक्ति के साथ साथ क्या क्या जरूरी है? भक्ति के साथ साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य। भक्ति तभी सफल होगी जब हमारे अंदर ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के पुत्र हैं। इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न चरचरो। महात्म्य भक्ति माता भक्ति के आचार्य प्रवर श्री नारद जी के न कहती हैं, बताती हैं। इसलिए भक्ति कौन श्रेष्ठ है? निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति कीजिएगा तो जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानं च दहेतुकम, आपके अंदर ज्ञान वैराग्य सब आ जाएगा, है ना। तो भागवत से आज एक सूत्र आप लोग को ले जाना है कि भगवान के हम भक्ति करेंगे, कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति, की भक्ति। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, और भगवान से मांगना भी होगा तो भगवान को मांगेंगे। अच्छा एक और भी बात है, हम सब भगवान से मांग कहाँ पाते हैं? भगवान के बहुत लोग तो ऐसे हैं कि भगवान के प्रभाव को ही नहीं जानते हैं। कौन जानता है भगवत प्रभाव को? अरे भगवान, हम लोग को लगता है पृथ्वी के मालिक है भगवान। नहीं नहीं, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, और ब्रह्मांड एक नहीं कई ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक आता है, कितना? 14 लोक, 14 भुवन। पृथ्वी से 7 लोक नीचे भी है, अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल, ये 7 लोक नीचे हैं। 7 लोक ऊपर का है, भू भुआ स्वः मह जन तप सत्य लोक, जहां ब्रह्मा निवास करते हैं। ऋषियों ने हमारे सब धर्म पुराण में वेद शास्त्र में लिख करके जा चुके हैं महाराज, और आज आज का विज्ञान खोज करता रहता है। हाँ हाँ, पृथ्वी से भी कोई नीचे लोक है, ना ना आकाश से भी कोई ऊपर के, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, उससे भी ऊपर के लोक है, ये सब धीरे धीरे लोग खोज कर रहा है, पर ऋषियों ने लिख लिया है। 50 करोड़ योजन का पूरे एक ब्रह्मांड का माप है, और विज्ञान भी तो यही कहता है, और हमारे भागवत में भी आया है। 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी, आगे हम लोग पंचम स्कंद में श्रवण करेंगे। अस्तु, तो भगवान कई ब्रह्मांड के मालिक हैं, और हम भगवान से मांगते हैं, क्या मांगेंगे? ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान से कहो प्रभु हमें पूरा पृथ्वी का राजा बना दो? कोई कहा होगा? भगवान के पास जाओगे, जिसके पास धन नहीं होगा थोड़ा धन मांग लेगा, जो रेंट किराए के मकान में रहता हो कहेगा प्रभु थोड़ा सा कहीं जमीन मिल जाए, भूमि मिल जाए, जिसके पास जमीन प्लॉट है तो कहेगा प्रभु थोड़ा सा घर और बन जाए, थोड़ी सी गाड़ी और आ जाए, यही तो मांग सकते हो, और क्या मांग सकते हो? और अपना मांग याचना भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, क्या पता तुम्हें एकाध दो ब्रह्मांड का मालिक ही बना दे, और एक दो ब्रह्मांड का कहीं मालिक बना दिया तो सोचो 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर का सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक ब्रह्मांड ना सही, क्या पता तुम्हें एक लोग ही दे दे, एक लोग तो उसके लिए चींटी के बराबर है, एक मिट्टी के बराबर है। अब एक लोग कौन सा दे दे, सुतल लोग दे दे, रसातल दे दे, पाताल दे दे, सत्य लोग दे दे, स्वर्ग लोग दे दे, या पृथ्वी लोग दे दे, तो सोचिए क्या आप इतना भगवान से मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। इसलिए हम भगवान से मांग भी नहीं पाते हैं, और भक्ति करके संसार की ये नश्वर तड़ी गड़ी वस्तु मांगते हैं, जो ना हम कभी लेकर आए हैं और ना उसे लेकर के जा सकते हैं। यही से यही प्राप्त हुआ और यही छोड़ करके जाना है, वही तो वस्तु मांगते हैं। तो भगवान को भी लज्जा आते है, राम राम इसने मुझे पहचाना नहीं, मुझसे क्या मांग रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने जा करके किसी भिक्षुक को खड़ा कर दिया जाए, और जिस भिक्षुक याचक को भिक्षा देने वाले लोगों ने 1-2 रुपए से बढ़कर के कुछ नहीं दिया, जिसने केवल 1-2 रुपए ही भिक्षा के रूप में बटोरा है, संग्रह किया है, इकट्ठा किया है, वो सामने वाले से क्या मांग सकता है? 1 नहीं 10 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं, 1,000 नहीं 1,00,000 नहीं, करोड़ मांग सकता, और क्या मांग सकता है? चूंकि उससे बेसी उसकी क्षमता नहीं सोचने की, लेकिन वो मांग करके घटा में चला जाएगा।
उसको देखना चाहिए कि सामने कैसी पर्सनालिटी है, कितना विशेष व्यक्ति है। अपनी मांग उसी के ऊपर छोड़ दे, नहीं सर हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मन में आए वो दे दो, क्या पता कोई कैबिनेट आपको दे दे। तो अब बताइए बात करोड़ रुपए का ही कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना सारा कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से मत मांगना, मांगना हो तो भगवान को मांग लेना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ना जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को ऐसे गुजारो कि फिर दुनिया में आना ना पड़े। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा भाव से सुन लोगे ना। देखो भैया जो जन्म लेता है वो भी मरता है, जो भागवत नहीं सुनता वो भी मरता है, और जो भागवत सुनता है वो भी मरता है। ऐसा नहीं कि भागवत सुनने वाला मरता नहीं, मरता है, लेकिन ध्यान दीजिए भागवत नहीं सुनने वाला बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, लेकिन जो एक बार भागवत कथा सुनता है ना वो एक ही बार मरता है, फिर उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता, इसलिए फिर वो दोबारा मरता ही नहीं। इसलिए भागवत सुनना श्रेष्ठ है, मरना भी है तो भागवत सुनकर मरो कि फिर कभी संसार में जन्म न लेना पड़े, क्योंकि संसार में जन्म लेने में भी कष्ट, माँ के गर्भ में वास करने में भी कष्ट, संसार के संसार यदि प्रतिकूल हुआ तो भी कष्ट, अनुकूल नहीं हुआ तो भी कष्ट, आप जो वस्तु चाहे नहीं मिला तो भी कष्ट, और शरीर छोड़ने में भी कहा गया है कि करोड़ों बिच्छू एक स्थान पर एक साथ डंक मारे, जितना व्यक्ति को कष्ट होता है उतना है प्राण छोड़ने में कष्ट होता है सामान्य व्यक्ति को, भगवान के भक्तों को नहीं। इसलिए भागवत बहुत जरूरी है, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जरूरी है। साथ ही साथ कहते हैं ये सब न भी हो तो कहते हैं भगवान के चरणों में आपका भाव भी भरपूर होना तो भी भगवान रीझ जाते हैं। भगवान के लिए कहा गया है भावग्राही जनार्दन, भगवान भात के भूखे नहीं, भगवान भाव के, भाव है ना तो कहते हैं भाव से ही तो भगवान रीझ जाते हैं। वो कहते हैं ना इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, प्यारे आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को, भाव है तो भाव के ही वशीभूत भगवान हुआ करते हैं। और एक भक्त था महाराज साकेतवासी पूज्य राजेश्वरानंद जी, बड़ा सुंदर एक भाव कहा करते थे कि एक भक्त था, खूब भोजन करता था, और भोजन करता था तो सोता था, और सत्य भी है भोजन खूब कीजिएगा तो खूब सोइएगा भी। सबसे अधिक कौन सोता है पता है, जो भोजन करता है, जो खूब भोजन करता है वो सोता है, या दूसरा जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं फिक्र है वो भी बड़ा सोता है। एक और भी कहते हैं जो खूब सोता है ना वो कभी उसको कभी हार्ट अटैक आता ही नहीं, सोना भी जरूरी है। आज छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक से चले जा रहे हैं, अभी हम लोग आवाज पर खूब चर्चा हो रही थी इन बातों पर, जानते क्यों, उसका कारण है फोन मोबाइल, दो दो बजे तक तीन तीन बजे तक सब मोबाइल चला रहा है, चक्षु भी गई और नींद भी पूरा नहीं हुआ, और पेशेंट हो गए, दुनिया के सारा रोग है क्या मोबाइल, मोबाइल का बहुत सदुपयोग है पर इसका दुरुपयोग भी बहुत खतरनाक है। समय से चलाइए, जरूरत जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग कीजिए, आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो भैया फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है ना। तो वो भक्त था, खूब खाता था, खूब सोता था, घर वाले परेशान, चूंकि घर में कोई काम नाम नहीं करता, घर वाले भगा दिए, कहां जाए, भोजन बहुत प्रिय था उसे, देखा कि हे हृष्ट पुष्ट महात्मा है, मोटे तगड़े, लगा कि इन्हीं को गुरुजी बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोटे तगड़े हैं, मोटे तगड़े मतलब इनके आश्रम में खाने की व्यवस्था बढ़िया है तभी तो ये मोटे हैं, इन्हीं का चेला बन जाएंगे, आश्रम में जाएंगे हमें भी खूब खाने को मिलेगा, तो चेला बन गया महाराज, चला गया आश्रम में, बोला पहले गुरु जी हमसे सब कहना, भोजन जितना बार कहोगे हम कर लेंगे, लेकिन कोई काम उम करने के लिए मत कहना, और ज्यादा भजन पूजा भी भक्ति करने के लिए मत कहना, हाँ कहोगे सुबह शाम आरती में थोड़ा सा घंटी शंख बजा देंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी बोले ठीक है चलो
पूजा करने वाले भी बहुत है, तुम तो भोजन करो, एक नहीं चार टाइम करो, चार बकत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराज भोजन भट्ट व्यक्ति को भोजन करता था। अच्छा वो आश्रम वैष्णव का था। एक दिन आ गई एकादशी तिथि। कौन सी तिथि? एकादशी। और आप लोग को तो पता है वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं। आप लोग में कौन कौन एकादशी रहता है, थोड़ा हाथ उठाओ। बाप रे इतना कम ही लोग एकादशी व्रत करते हैं। एक बार फिर से हाथ उठाओ, एकादशी व्रत कौन कौन करता है? जादू कैमरा उधर नहीं है भैया, उधर कैमरा मत कीजिएगा, हाथ नीचे करो, नाक कट जाएगा। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। इसके पीछे अध्यात्म से भी हित है। अध्यात्म पक्ष से देखें और विज्ञान पक्ष से देखें तो भी हमारा कल्याण है। देखो भैया शरीर में भी बहुत सारे मशीन है ना, इसको कभी तो कभी एक दिन महीना में एक दिन तो यार इसको रेस्ट दे दो। 24 घंटा कि आप खाओगे तो मुख में चला, फिर वो पचाने, बहुत सारे अंदर यंत्र हैं वो सब चालू ऑन हो जाता है महाराज। अब 24 घंटा बारह मास कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये बताइए पार्ट खराब हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, तो बार बार हॉस्पिटल में सर्विस कराने जाना पड़ेगा। इसलिए बात मेरा मानो ना, तो दो एकादशी ना तो कम से कम महीने में एक एकादशी तो कर ही लो, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की। उससे ये हित है कि अब एकादशी बोला एकादशी मत करो कि चार, आजकल ऐसे भी एकादशी करते चार दिन पहले से शॉपिंग करने लगते हैं बाजार में जाके, रबड़ी दे दो, मखाना दे दो, ये काजू दे दो, ये पिस्ता दे दो, ये बादाम दे दो। किस लिए? तो महाराज परसों दिन एकादशी है, तीसरा दिन एकादशी है और पता चले कि सामान्य दिन से उस दिन ज्यादा ही कुछ हो गया तो वो भी एकादशी किसी काम की। एकादशी मतलब कि निराहार रहिए, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा कुछ फल लीजिए, जल लीजिए, बाकी अधिक से अधिक शरीर को रेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, आपका आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। इसलिए दोनों दृष्टि से, अध्यात्म और विज्ञान दोनों दृष्टि से एकादशी व्रत करना लाभप्रद है। और एकादशी तो भैया अध्यात्म की ओर चलिए, शास्त्र की ओर चलिए। तो जैसे माताएं अपने पति के दीर्घायु के लिए अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, वैसे मेरे ठाकुर मेरे गोविंद के लंबायु के लिए, गोविंद के उन्नयन उत्थान के लिए हमारे वैष्णव भक्त एकादशी व्रत करते हैं कि अभी पक्ष है। एकादशी आ गई तिथि मंदिर में आश्रम में। अब तुम्हारा जो दिन पाकशाला, पाकशाला मतलब समझ रहे हैं आप लोग, रसोई घर। बहुत लोग रसोई घर मतलब भी नहीं समझे होंगे, किचन समझते हैं ना। आज के आधुनिक नाम हो गया किचन और नाम भी बढ़िया हो गया है, क्योंकि पहले पाकशाला था, उसमें सब कुछ भगवान के लिए भोग बनता था, कुछ हद तक रसोई बन गया वो भी ठीक था, लेकिन अब बन गया किचन। क्यों? क्योंकि अब उसमें ना चावल दाल रोटी ना भगवान का भोग, उसमें केवल किच किच ही होता है। किच किच मतलब मैगी है तो चाउमीन है तो डोसा है तो पिज्जा है तो ये है तो वो है। चावल दाल के लिए तो बच्चे तरस जाते हैं, है कि नहीं? तो किच किच होता है, इसलिए उसका नाम किचन हो गया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एकादशी आ गई, पाकशाला रसोई घर किचन बंद है, मंदिर का पट भी बंद है, महंत जी अपने सिंहासन पर माला फेर रहे हैं, भंडारी जी भी हमारे करीब सोए हुए हैं। अब भगत कभी मंदिर की ओर जाए, कभी महंत जी की ओर जाए, कभी पाकशाला में जाए, देखे कि 12 बज गया, 2 बज गया, अब तक सब बंद है, क्या मामला है? महाराज जी बोले क्यों कहाँ दौड़ रहे हो? बोले महाराज आज ये रसोई घर बंद है, सब कुछ बंद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी बोले तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं। बोले आज एकादशी है। अब उसको पता नहीं था कि एकादशी क्या होती है। तो बोले एकादशी का मतलब गुरु जी? तो बोले एकादशी के मतलब न जिस दिन कुछ बने और न कुछ मिले, वही एकादशी है। अच्छा तो कब मिले वो महाराज? तो बोले द्वादशी को। अच्छा तो ये द्वादशी कब आवेगी? गुरु जी बोले कल आवेगी बेटा। हाथ जोड़ लिया भगत, गुरु जी आप एकादशी करो, अपने और पुजारी जी से करवाओ, भंडारी जी से करवाओ, और आपके बहुत सारे चिलवा हैं उन सब से करवाओ, पर हमें बकस दो महाराज। क्यों? हमसे एकादशी आज करवा दोगे तो सच कह रहा हूं कल हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। बोलो राधे राधे, कल द्वादशी नहीं देख पाएंगे। तो गुरु जी बोले तो फिर? बोले हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो नहीं मर जाएंगे महाराज। गुरु जी बोले ये बताओ भोजन बना लेते हो?
भगत बोला बनाते तो नहीं पर मरता क्या नहीं करता, भूखे मरने से अच्छा कुछ कच्चा पका तो बना ही लेंगे। तो गुरुजी बोले काम करो, ये कच्चा राशन है ले लो और आश्रम में नहीं क्योंकि यहाँ अन्न वर्जित है, जाओ नदी के तट पर चले जाओ, नदी के तट पर चले जाओ और वही जा करके भोग बना लेना और पा लेना। भगत को आटा दे दिए, गुड़ दे दिए, घी दे दिए और भेज दिए। भगत जब नदी के तट पर गया, कोट कोट नदी के तट पर जब गया महाराज, गुरुजी भी बोले थे कि सुनो वैष्णव तो हो गए हो, आप प्रसाद भोग बनाना ना तो स्वयं मत खा लेना, भगवान को भोग लगा लेना। अच्छा भगत पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत सरल था, उसको नहीं पता था भगवान क्या होते हैं, भगवान कौन है। उसको लगा भगवान नाम के कोई व्यक्ति होंगे आएंगे तो उनको भी कुछ खिला पिला देंगे, भोग लगा देंगे। भगत गया और जा करके खूब सुंदर भोग बनाया, भूख तो लगी थी, जैसे खाने चला याद आ गया कि गुरुजी बोले थे भगवान को भोग लगाना। अब तो भगत भगवान को बुलाने लगा, अब भगत बुला रहे तो हम लोग भी जरा भगवान को बुला ले कि राजा राम आइए, अरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत भगवान को बुलाने लगा पर भगवान आए नहीं। भगत को लगा आएंगे भी क्यों, मंदिर में आचमनी है, अर्घा, इनकी खूब आरती होती है, खूब भगत लोग स्तुति गाते हैं तब तो ये भोग लगाते हैं, यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। भगत बोला आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रुखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, बुलाइए सभी लोग भगवान को भाव से, भगत बोला क्या ना आचमनी है ना अर्घा है ना आरती, यहाँ तो यही है रुखी रोटी पाइए प्रेम से और नदी का पानी पीजिए और चलते बनिए। भगवान फिर भी नहीं आए, भगत को लगा अच्छा अब समझ में आया ये क्यों नहीं आ रहे। सरल था, भगवान भाव से भी रिझ जाते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगत बोला अब समझ में आया क्यों नहीं आ रहे, किसी ने पूछा क्यों नहीं आ रहे, भगत बोला मंदिर में जाते हैं तो खूब सुंदर मेवा मिश्री रबड़ी मलाया 56 भोग लगता है, तो भगवान से तुम्हारा मंदिर का 56 भोग छोड़ करके रूखा रोटी क्यों खाने आएंगे, इसीलिए नहीं है पक्का मंदिर में जाएंगे। तो भगत हंसते हुए बोला प्रभु मंदिर में जाइएगा तो बहुत बड़ी भूल होगी, क्यों वहां आज कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भ्रम छोड़ दो कि आपको खूब सुंदर 56 भोग मिलेगा, रबड़ी मलाई खुरमा मिलेगा। फिर भगत बोलने लगा भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यज तज दोगे क्योंकि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत जब बोला भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, प्रभु हे भगवान जी सुन लो, आप सोच रहे हो तुम्हारा रूखा रोटी क्यों खाएं हम, तुम्हारा ये लिट्टी क्यों खाएं और मंदिर में 56 भोग खाने जाएंगे तो बहुत बड़ी आपकी भूल होगी, क्यों क्योंकि आज वहां कोई एकादशी आ गई है, अब मंदिर बंद है, भंडारा भी सब कुछ बंद है, वहां से तो जान बचा करके जैसे तैसे हम यहाँ पर आए हैं, आप जाओ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से यहीं पर आ जाओ,